नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल द फ्लेवर ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है मेंदू वड़े। ये चटनी और सांभर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होता है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले 150 ग्राम उड़द दाल को मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रखा था और उसके बाद उसका पानी निकाल करके उसे थोड़ा थोड़ा करके एक ग्राइंडर में डाल के उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। 150 ग्राम की उड़द दाल को हम 3 बार करके पीसेंगे और पानी का बहुत ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, अगर ये गीला हो गया तो हमें बड़े बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो शुरू में मैं 1 से 2 चम्मच ही पानी डालूँगी और फिर इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले 2 टेबल स्पून के बराबर राइस फ्लोर यूज़ करेंगे। ये मैंने राइस फ्लोर घर पे ही बनाया है। ये राइस फ्लोर 2 चम्मच है बड़े वाले चम्मच से और ये 8 से 10 करी पत्ते हैं जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और फिर 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसे बारीक काट लिया है और साथ में 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक और 1/4 टेबल स्पून के बराबर जीरा और बहुत थोड़ा सा इसमें हींग डालूंगी। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब शुरू में हम मिक्स करना शुरू करेंगे तो ये बहुत भारी लगेगा, पर जैसे ही इसे 4 से 5 मिनट हम फेटेंगे ये धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और एकदम हल्का हो जाएगा। हल्के होंगे तभी हमारे बड़े अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे जितना फेटें उतना अच्छा होगा। शुरू में फेटने में हमें दिक्कत आती है, पर जैसे जैसे ये फिटता जाता है, ये सॉफ्ट होता जाता है, ये हल्का होता जाता है और इजीली ये आपस में कंबाइंड होने लगता है। बहुत धीरे धीरे आसानी से हम इसे फेट पाते हैं। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें इंतज़ार करना है। और इसे चेक करने के लिए सबसे पहले एक बॉल में हम थोड़ा सा बैटर डाल करके देखेंगे। इंस्टेंटली हमारा बैटर अगर ऊपर आ जाता है तो समझिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बड़े बनने के लिए। ये देखिए मैंने दिखाया है, ये ऊपर आ गया, मतलब अब बिल्कुल तैयार है। अब इसके लिए हम इसके बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए मैंने हाथ पे पहले थोड़ा सा पानी लगाया है और पोर्शन छोटा सा एक पोर्शन लिया है और फिर उसे अच्छे से राउंड करके बीच में उंगली की सहायता से एक होल करेंगे। बस ये बड़े बन गए हैं और इसे सीधे गर्म तेल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एक और बना के मैं दिखाती हूँ। आजकल बाजार में बड़े बनाने की मशीन भी अवेलेबल है। अगर आप हाथ पे नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए आप केला का पत्ता ले सकते हैं। उस पत्ते पे भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रेस करके और फिर उस पे इजीली बड़े बन जाते हैं। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े बनाने के लिए। और बस इसके बाद हम तेल को मीडियम फ्लेम पर हीट करेंगे और अपने सारे बड़ों को धीरे धीरे उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। एक बार में 4 से 5 बड़ा ही मैं डालूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं डालूँगी। और उसके बाद उसे पे अच्छा कलर आने तक गोल्डन ब्राउन करके हमें फ्राई करना है। हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए फ्लेम का हमें ध्यान रखना है और सब तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से हमें इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेकना है। जैसे ही एक साइड हो जाए हम दूसरे साइड टर्न कर देंगे। जब हम तेल में बड़े डालेंगे तब हम ध्यान देते हैं कि उसका साइज़ पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर साइज़ पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये निशानी है हमारे बड़े अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी बन रहे हैं इस चीज़ की। तो ये हमें ध्यान रखना है बस। और कुछ खास ट्रिक तो इसके साथ है नहीं, दोनों साइड से अच्छा ब्राउन करके हमें निकाल लेना है और इसे हम गर्मा गर्म किसी सांभर के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बरसात के दिनों में ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।